तो भाई जो लोग कहते हैं कैसे घूमते हो तो दिखाऊँ एक बार। अभी मैंने कितना निकाला था, 700 निकाला, मतलब 10-11 रुपए का एक है चाइनीज़ डॉलर, 7,000, वो 1,000 फीस लग गई। ये देखिए पैसा आ रहा है, 10,000, 15,000, 10,000, 6,000, और इधर से पैसा जा रहा है, 8,000, 240, 1,727, 5,000, 10,000, 389, 27, ये सब आज के ट्रांजेक्शन है। ये 300, और कल के देखो, 5,000, 15,000, 17,000, 1,700। तो देखो कितना खर्चा होता है, कमाई है तो खर्चा भी है बहुत भाई साहब, ठीक है। और रिस्क भी, भूखे भी मरना पड़ता है, बिना कुछ भी खाना पड़ता है, कभी ब्रेड खा लिया, जूस पी लिया, कभी पानी पी लिया, कभी दो दो तीन तीन तक ऐसे ही चल जाते हैं, खाते पीते नहीं हैं। और कभी कभी सोने के लिए एयरपोर्ट पे भी सो जाते हैं, कहीं कहीं पे सो जाते हैं, कहीं कहीं पे, कभी कहीं रात को भटकना पड़ता है, कहीं इधर भटकना पड़ता है, कहीं उधर भटकना पड़ता है। तो जिन लोग लगता है ना कि भाई ये काम आसान है, तो आसान नहीं भाई, करके देखो एक बार। कोई भी काम में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो आप लोग समझ सकते हो। क्या क्या बताऊँ, नहीं तो कौन अपने माँ बाप से, अपने घर, अपने परिवार से कौन दूर रहना चाहता है यार, ये बताओ ज़रा। कोई भी ब्लॉगर है, कोई भी काम, कोई किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, उसकी इज्जत कीजिए। ये मत कभी सोचिए कि भाई बहुत ऐसे कमा रहा है, कोई भी ऐसे नहीं कमा रहा भाई साहब, सब मेहनत कर रहे हैं, और सब जो जितना मेहनत कर रहा है उतना उसको सफलता मिलता है। बस कोई जता देता है, कोई नहीं जताता है, बस खर्चा भी होता है कम पैसा, ठीक है। तो भाई चलो, पैसा वैसा रख लिया है, अब थोड़ा चलते हैं इधर आगे। अब कहीं पे भी जाके ना हम बाहर चलेंगे, अब टैक्सी लेंगे, क्योंकि जब होटल बुक है तो क्या 1,000-2,000 के लिए कंजूसी करें। चलते हैं अपन। कैसे काफ़ी सारे इंडियन भरे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, मलेशिया होते हुए पहुंच जाएंगे इंडिया, बांग्लादेश। चलिए अब देखते हैं टैक्सी M1, C4, C2। चलो भाई अब टैक्सी करते हैं, उसके बाद देखते हैं। पूरा दिन लग गया आज यार। तो अभी मैं आ गया हूँ नीचे टैक्सी स्टैंड में, और अभी मैंने टैक्सी करी है। P2B1M1, 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 ये देखते हैं P2B1M1 किधर है भाई, P2B1M1 G3, G3 ना, B1 इधर होगा, G4, G3। अगर टैक्सी लेते तो टैक्सी में आपको पार्किंग नंबर बने हुए, फ्लोर बने हुए हैं, जी फ्लोर बना हुआ है, और बी फ्लोर बना हुआ है, ए फ्लोर बना हुआ है, तो उसके हिसाब से देख के आपको जाना है। अच्छे से डिटेल में आपको समझा दूंगा। मेरे को जाना है B1 में M1 नंबर पे जाना है, ठीक है। जैसे देखिए ये बी वाला फ्लोर आ गया B1 में M नंबर पर, ठीक है। तो ये फ्लोर आ गया B। अब M किधर है, M, J, K, N, M, M, M,
对你这弟弟听到 M， 你必定到 M， 知道吧？让他来找你，那个时候在听，让他开过来。你走过去，不找他你怎么找呀？Thank you. No problem. Hello. Hi. Where you come from? India. India. Okay. 有点不放心，我怕拍拍到他了。啊，好。那我以为他是过来出。ये देखिए पूरी बिल्डिंग है और यहाँ से हम अभी ये हमारा जो हॉस्टल है मीगो यूथ होटल इस पे हम जाएंगे। ये जो हमारा हॉस्टल है ये फोर्थ फ्लोर पे है, फोर्थ फ्लोर दबाएंगे। और ये हम आ गए अपने हॉस्टल में, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारा हॉस्टल है। इस हॉस्टल का नाम है मीगो हॉस्टल, ये देखिए लिखा हुआ है मीगो यूथ हॉस्टल। ये रिसेप्शन एरिया है और इधर की ओर ये पूरा लॉबी एरिया है, आप यहाँ पे बैठ के अपना काम वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शंघाई का मैप है, यहाँ पे आप मैप में समझ सकते हैं कैसे जाना है, आपको कहाँ जाना है। जो भी पर्यटक हाईलाइट स्पॉट हैं वो देखिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पावर बैंक दिया हुआ है, अगर आप पावर बैंक रेंट पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे नंबर्स हैं। और इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए चाय कॉफ़ी फ्री है, चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जो ये नूडल्स हैं और बिस्किट्स वगैरह के पैकेट हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट हैं, ये भी आप पैसा देके ले सकते हैं। और इधर बात करें अगर आप कोल्ड ड्रिंक बियर वगैरह पीना चाहते हैं, पानी वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। मैंने कल रात को पानी लिया था, ये मुझे 3 चाइनीज रुपीज़ का पड़ा था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि रूम मुझे कैसा मिला है। जैसे ही आप चेक इन कर लेंगे आपको ये इस प्रकार का की दे देंगे, इसमें आपका बेड नंबर और रूम नंबर लिखा रहेगा। तो मेरा है C8016, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये देखिए खुल गया। यहाँ पे अपना कार्ड डाला और इसको ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, ये कार्ड डाल दिया तो आ गए हम अपने हॉस्टल के अंदर। ये देखिए इस प्रकार, तो ये देखिए इस प्रकार इस हॉस्टल के डॉर्मेट्री बेड्स हैं। इस प्रकार आपको बेड मिलेगा और इधर आपको काम करने के लिए जगह मिलेगी। और यहाँ पे ये कुर्सियाँ हैं, ये बैठ सकते हैं। इधर ये देख सकते हैं, इधर ये बैठ के काम वाम करने के लिए है। और ये आपके लॉकर हैं, यहाँ पे आप अपना लॉक कर सकते हैं, इसको अपना सामान वामान रख के लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें मेरे बेड की तो मेरा बेड है ये आप देख लीजिए। रात को मैं यहाँ पे आया था, ये इस प्रकार डोरमेट्री बेड है, ये आप पूरा देख लीजिए। वहाँ पे चार्जिंग केबल है, आपके इंडिया का भी चार्जर यहाँ पे लग जाएगा तो वो देख सकते हैं आप, बाकी चाइनीज जो हो जापानी जो हो वो भी लग जाएगा। ठीक है, तकिया है और ये कंबल है। तो बस गुरु यही था, अरे बाप रे, तो बस गुरु यही था। और अब हम आपको बता दें आपको कि मोबाइल इंटरनेट का क्या जुगाड़ है। आपको मैं बता दूं कि मैं कैसे यहाँ पे सिर्फ अपने शंघाई एयरपोर्ट से ऑफिशियली 63 चाइनीज रुपीज में मैं अपने हॉस्टल पहुँच गया, जो कि 36 किलोमीटर दूर था। तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था, वहाँ पे बैठ के रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ऐप मिला एयरपोर्ट पे,
उस ऐप का चाइनीज में ही नाम है, मतलब जैसे अपने इंडिया में यूबर कारपूल करके ऑप्शन आता है, यूबर कारपूल हो गया या ओला जैसे मतलब शेयरिंग वाला होता है, तो वो मिल गया। आप एयरपोर्ट पे आएंगे, जैसे आपको टैक्सी मिलेंगे, दीदी ऐप चलता है यहाँ पे, DIDI दीदी ऐप, तो दीदी ऐप से आप टैक्सी कर सकते हैं। तो पर्सनल आपको, तो वह दीदी ऐप पर्सनल ओला यूबर जैसे आपको आपके होटल छोड़ देगा, लेकिन उसके प्राइस करीब ज़्यादा रहते हैं। कितना, जो मेरे को ये 63 है चाइनीज़ रुपीज़ में पड़ा, मैं यहाँ होटल पहुँच गया, यही मेरे को 160 चाइनीज़ रुपीज़ लग रहा था, मतलब कि 100-1000 रुपये का अंतर पड़ा था। लेकिन वो मुझे प्राइवेट लेके आते, इसमें मेरे साथ 3 लोग शेयरिंग थे, ठीक है ना, पहले बताता हूँ, 3 लोग शेयरिंग थे। तो ये मैं 63 में आ गया था। तो ये देख लो, इस ऐप का नाम है, मैं आपको बता दूँ, ऐप चाइनीज़ में ही पूरा है, इसमें हिंदी है ही नहीं। मैं तो पूछ पूछ के, लोगों से पूछ पूछ के ऐसा ऐसा करके पहुँचा। और जैसे ही आप शंघाई एयरपोर्ट के बाहर निकलोगे, तो आपको ट्रेन 10-11 बजे बंद हो जाती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया। आप थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लीजिए, मैंने बताया कि बस टाइम कितने बजे चलती थी। शंघाई एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और आपको होटल आना है, तो आप दीदी ऐप कर सकते हैं। अगर आप बजट में हैं, तो अगर समझ सकते हैं, तो आपको ये ऐप है, देख लीजिए, ये ऐप है, ये है। इसमें हर चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, सारा चीज़ चाइनीज़ में है, तो आपको चाइनीज़ में समझना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये मेरा लोकेशन आ गया, मुझे जहाँ जाना है वहाँ का डेस्टिनेशन मैं डालूँगा। जैसे मुझे एयरपोर्ट जाना है, अब मुझे इसको ट्रांसलेट करके चाइनीज़ में लिखना पड़ेगा, शंघाई एयरपोर्ट, सांगा सांग आ गया यार, शंघाई एयरपोर्ट, शंघाई एयरपोर्ट, ये देखिए चाइनीज़ में लिखा हुआ आ गया। अब इसको हम यहाँ पे डालेंगे चाइनीज़ में, ये देखिए लिखा हुआ है ना, चाइनीज़ में लिखा हुआ है शंघाई एयरपोर्ट। अब देखिए कितना पैसा मांग रहा है, ये बोल रहा है कि 4 बजे की है, 4:30 पे आपको गाड़ी मिलेगी, और पैसा कितना मांगेगा, 56, कितना, 56, तो ये देखिए 56 चाइनीज़ रुपये मांग रहे हैं। यहाँ से करके बुक कर लीजिए आप, तो बुक हो जाता है, क्लिक करूँगा तो बुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेयरिंग है, आपको समझना पड़ता है। तो आप थोड़ा जो लोकल जिसको चाइनीज आती है ना, आप उनसे हेल्प लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस ऐप का मैं आपको इन फ्रंट कैसा दिखता है मैं आपको दिखा दूँ, आप अगर देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए, ये है, ये ठीक है। और मैप के लिए यहाँ पे गूगल मैप काम नहीं करता, आपको एप्पल मैप यूज करना पड़ेगा। और बाकी VPN के लिए तो मैं आपको VPN बता रहा हूँ, फ्री वाले बहुत स्लो काम करते हैं, और कहीं कहीं पे थोड़ी देर चलेंगे फिर नहीं चलेंगे। और VPN के लिए हम आपको, अगर ये 2 VPN भी आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक VPN और बता रहा हूँ मैं, जो कि 7 दिन के लिए फ्री ट्रायल है, ठीक है। तो वो VPN का नाम है ये सिक्योर VPN, ये देखिए ये सिक्योर VPN है, आपको इसको कनेक्ट करना है। अभी देखिए कनेक्ट है इसको हम, तो अभी देखिए कनेक्ट है, तो अभी हम YouTube वगैरह सब कुछ चला पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरा YouTube चल रहा है, जैसे मैं कुछ भी डाल दूँ, ये देखिए, तो ये पूरा देखिए YouTube चल रहा है, Facebook चल रहा है, Instagram चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ है, व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप बिना आपको VPN के चल रहा है, आपको ऑडियो वीडियो कॉलिंग बिना VPN के हो जाएगी, जैसा कि मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये VPN कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो देखिए तो व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह नहीं जा रही, देखिए। तो आप भाई 2 VPN मैंने आपको बताया, अभी तक आप फ्री वाले हैं, आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो 2 VPN मैंने फ्री बताया। एक वाईफाई के लिए एयरपोर्ट पर जो VPN चलेगा वो बता दिया, फ्री VPN है, पहले बताया था वीडियो में। और दूसरा VPN एक और बताया था मैंने, अल्ट्रा सर्फ करके, वो भी बहुत स्लो चलता है, आज कभी कभी चलता ही नहीं है, तो वो अल्ट्रा सर्फ करके, तो वो भी बहुत स्लो चलता है। और तीसरा जो पेड VPN है, जो कि 7 दिन के लिए फ्री ट्रायल है, वो है ये सिक्योर VPN, ठीक है। देखिए मैंने बताया नहीं, इशू आता है, जैसे आप सिक्योर VPN करेंगे कनेक्ट ना, या कोई भी VPN कनेक्ट करेंगे, तो व्हाट्सअप कॉल जो है, व्हाट्सअप कॉल आपकी नहीं जाएगी। तो आपको व्हाट्सअप कॉलिंग करने के लिए आपको इस VPN को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल है, जो VPN यहाँ पे जाके इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और डिस्कनेक्ट हो गया, अब देखिए व्हाट्सअप कॉल में लगाऊंगा तो चला जाएगा, बात हो जाएगा, रिंग जाता है लेकिन बात नहीं होगी, आपको पता है, आपको
क्योंकि ये दुबई का सर्वर लिया है। हाँ, तो ये देखिए कॉल भी आ गया, बात भी हो गई, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है भाई, क्योंकि ये हर एक वीपीएन का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे ये हमारा यूए की सर्वर पे चल रहा है, तो यूए में शायद व्हाट्सएप बैन है, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा, मैं क्लियर नहीं कह सकता। तो ये पूरा सिस्टम है भाई, ठीक है। अब मुझे जैसे कि अब देखिए अभी वीपीएन बंद है ना, अब मैं यूट्यूब वगैरह कुछ खोलूँगा तो चलेगा ही नहीं। ये देखिए देखिए चलेगा ही नहीं, देखिए नहीं चल रहा है ना। अब देखिए इसको मैं अभी कनेक्ट करता हूँ वीपीएन को। ये देखिए ये है सिक्योर वीपीएन, ये देखिए कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो समझ गए भाई। तो इसी प्रकार यहाँ पे चाइना में आपको सरवाइव करना है, ठीक है। ये वीपीएन जो है ये चार्जेबल है, इसका कितना 700 कुछ रुपए चार्ज है, 799 रुपये, लेकिन 7 दिन के लिए फ्री है। और 7 दिन के बाद आपको 1 महीने का 799 देना पड़ेगा। तो हम तो 7 दिन के लिए हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन मौज लूटो। उसके बाद बस ये है कि 7 दिन पहले आप अगर एप्पल से हैं तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा 6 दिन में, नहीं तो 7वें दिन चार्ज लग जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ, और आपको बात कर रहा हूँ कि आपको एक चाइनीज़ नंबर लेना ही पड़ेगा अगर आपको चाइना में सर्वाइव करना है, क्योंकि ये जो ऐप टैक्सी ऐप बता रहा हूँ ये चाइनीज़ नंबर से ही काम करता है। बाकी मैप वगैरह जो है आपको ये एप्पल मैप ही काम कर देगा। बाकी के लिए दूसरा मैप क्या है, ये वाला मैप है, ये देखिए ये चाइनीज़ में ही लिखा हुआ था, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। तो ये मैप है देखिए, ऐसा बना हुआ है एप्पल में ये मैप, ठीक है। तो ये बाकी यहाँ गूगल पे कुछ सर्च करोगे ना भाई कहाँ पे क्या है, तो लोकेशन बता देगा लेकिन जाने का साधन नहीं बताएगा। आप गूगल मैप पे सर्च करोगे ना इसमें वीपीएन कनेक्ट करके कि मुझे जैसे इंडियन रेस्टोरेंट नियर बाय जाना है, तो रेस्टोरेंट दिखा देगा, इतना दूरी भी दिखा देगा, लेकिन जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सेवा क्या है वो कुछ आपको नहीं बताएगा। उसके लिए यहाँ का लोकल मैप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो ये मैप है, ये देख लीजिए ये, ठीक है। लेकिन इसको भी पूरा चाइनीज़ में डालना जाना पड़ेगा, जैसे हमें इंडियन ढाबा रेस्टोरेंट मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो ये देखिए जाने के लिए बता दिया, ऐसे जा सकते हैं आप। जब चाइनीज़ में है तो अब मैं क्या कैसे करूँ इतना, चलो बाकी रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। तो यही है भाई, यही मैंने पूरा आपको विस्तार और डिटेल में वीडियो बना दिया कि अगर फर्स्ट टाइम आप चाइना आ रहे हैं तो चाइना में कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं, एयरपोर्ट से होटल कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला दीदी ऐप, दूसरा वो चाइनीज ऐप जो मैंने बताया। तो भाई इसी के साथ अभी वीडियो हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा था, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। ये था हमारा ताइवान के तैपेई से चाइना के शंघाई अपने होटल पहुँचने तक का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछताछ या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो अर्थात अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। तो भाई ये देखिए यह है चाइना का ऑटो, किस प्रकार क्या मस्त डेवलप किया गया है। ये देखिए यहाँ पे एक आदमी बैठ के चलाएगा और दो आदमी यहाँ पे पीछे बैठेंगे, गजब तरक्की है बे चाइना।